तो गाइस कैसे आप सब। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास इंश्योर्ड ऐप में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसे आप हल नहीं कर पा रहे हो, जैसा कि अगर आपके पास वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, सेव नहीं हो रही है और भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है इंश्योर्ड ऐप में, जो कि आपके पास अगर वीडियो सेव नहीं हो रही है और उसके साथ आपकी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जितनी भी इंश्योर्ड ऐप में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी लाइफ टाइम में, अगर आप लोग ये ट्रिक यूज करोगे तो आपको लाइफ टाइम में कभी भी ये प्रॉब्लम कोई भी इंश्योर्ड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। जी हां गाइस, बिल्कुल रियल ट्रिक आपको बताने वाला हूं और यही ट्रिक आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी और यूट्यूब पर यह वीडियो देखने के बाद कोई और बना सकता है, लेकिन इससे पहले आपको किसी ने अभी तक यह ट्रिक नहीं बताई होगी और मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों यहां पर मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यही आ रही थी कि मैं जब वीडियो को सेव करता था इंश्योर्ड ऐप में तो वहां पे गाइस बहुत वक्त लगता था लेकिन मैं सेव नहीं कर पाता था। लेकिन दोस्तों आपको साइड पर यह भी देखने को मिल रहा होगा कि काफी टाइम लग रहा है लेकिन इसमें मतलब फीसद आपको परसेंट नहीं देखने को मिल रहा है, और मैं इसी प्रॉब्लम को काफी टाइम से देख रहा हूं लेकिन मेरे पास इसका हल नहीं था, लेकिन आज मेरे पास इसका हल आ चुका है और मैं आपको इजीली बताऊंगा। लेकिन मैं दूसरों की वीडियोस देख के नहीं बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता ही है कि दूसरे की वीडियोस में आपको सिर्फ स्पेस, इसकी जो मेमोरी है, डाटा जो है, इसको क्लियर कर देते हैं और वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व देखने को मिलती है। आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी जो कि सेटिंग्स में जाके इसी इंश्योर्ड ऐप का जो डाटा है, जो इसकी GB वगैरह जो भी है, उसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आप उस ऐप को ओपन करते हैं वो एक न्यू की तरह मतलब ओपन हो जाती है, लेकिन जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और आज की ये ट्रिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आप लोग इंश्योर्ड यूजर हो, क्योंकि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपको गाइज एक ऐप डाउनलोड करनी है मल्टीपल अकाउंट्स जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको बिल्कुल इजीली सी दोस्तों बिल्कुल आसान ऐप है जिसमें आपको कोई जुगाड़ नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल आपको इजीली आप इसमें कर सकते हैं। जब आप इसे ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको करना क्या है कि इस ऐप में आपको कुछ इंटरफेस इस तरीके का देखने को मिलेगा, और यहाँ पर गाइस मैंने जो है इसमें काइनमास्टर और उसके बाद मैंने और भी ऐप्स इसको मतलब ऐड की हुई हैं, क्योंकि आप इसमें जब ऐड करेंगे ऐप्स को तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पे क्लिक कर दें, और यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है, यहाँ पर गाइस आपने इंश्योर्ड ऐप को ढूंढ लेना है। जब इंश्योर्ड ऐप को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऐड हो जाएगी, जब आप मल्टीपल अकाउंट इसका कर लेंगे और आप मल्टीपल अकाउंट में जाके आपको इंश्योर्ड का एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, एक ऐप का आइकन देखने को मिल जाएगा। जब आप इसमें ओपन करेंगे तो आपकी वीडियो सेव भी होगी और जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व भी होगी, और ये बिल्कुल रियल ट्रिक थी गाइज और अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर लेटेस्ट आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके।